वैसे तो दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना नाम नहीं बना पाता। वह पैदा होते हैं और यूं ही मर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी रहते हैं जिनकी मौत के कई दशकों बाद भी उनका नाम जिंदा रहता है। आज उनकी पहचान कायम है। दरअसल इन लोगों को जिंदा रखा है इनके काम ने, जिसने दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि शायद दशकों तो क्या, सैकड़ों साल बाद भी जब कभी इनके काम की ओर देखा जाएगा, वे जीवंत हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे पाब्लो पिकासो। ये नाम शायद ही किसी के लिए अनजान हो, क्योंकि जब कभी भी दुनिया के किसी कोने में चित्रकार या चित्रकारी से जुड़ी कोई बात होती है तो पाब्लो पिकासो का जिक्र जरूर होता है। मगर बहुत कम लोग हैं जो पाब्लो पिकासो के जीवन और उनके महान चित्रकार बनने की कहानी से वाकिफ हैं। इसलिए आज मैं पाब्लो पिकासो के जीवन व उनके आम से महान बनने तक के सफर पर आपको ले चलता हूँ। 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा शहर में पैदा हुए पिकासो की माँ डोना मारिया एक गृहिणी थी, जबकि उनके पिता डोन जो एक चित्रकारी के अध्यापक थे। पिकासो में चित्रकारी के गुण उनके पिता की ही देन थी। बचपन में एक किस्से के अनुसार पिकासो की माँ ने उनसे कहा कि अगर तुम सिपाही बनते हो तो तुम जनरल बन सकोगे, और अगर एक साधु बनते हो तो एक दिन पॉप बन जाओगे। लेकिन इसके जवाब में पिकासो ने कहा कि अगर मैं एक चित्रकार बनता हूँ तो एक दिन पिकासो कहलाऊंगा। उनके इस जवाब से पाब्लो ने मानो बचपन में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन उनका नाम दुनिया जानेगी। उम्र के शुरुआती दौर में पिकासो में कमजोर पाब्लो अपनी चित्रकारी की कला में बहुत उम्दा थे। पाब्लो के जीवन पर शोध करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि जब वह पैदा हुए थे तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला था वह था पिज पिज। दरअसल यह बच्चा लेपिस बोलने की कोशिश कर रहा था, जिसका स्पेनिश में मतलब पेंसिल होता है। खैर, पैब्लो बड़े हुए तो उनका चित्रकारी की ओर बढ़ते रुझान को देखकर पिता समझ गए थे और उन्होंने पैब्लो को चित्रकारी की शिक्षा शुरू कर दी। जब पैब्लो 13 साल के हुए तो वह चित्रकारी में इस तरह से माहिर हो गए कि कुछ समय बाद अपने पिता से बेहतर चित्रकारी करने लगे। हालांकि अपने चित्रकारी के शौक के चलते वह अपनी स्कूली पढ़ाई से दूर हो गए। यह अक्सर स्कूल से भागकर शहर की गलियों में घूमते रहते और चीजों को घंटों निहारते रहते थे। साल 1895 में जब वह 14 साल के हुए तो पाब्लो का परिवार बार्सिलोना चला आया, जहां आते ही उन्होंने यहां के बेहतरीन फाइन आर्ट स्कूल में भर्ती के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि इस स्कूल के केवल प्रशिक्षित बच्चों को ही लिया जाता था, मगर जब उन्होंने पैब्लो की काबिलियत देखने के लिए उनकी परीक्षा ली तो उससे द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखकर वह दंग रह गए, जिसके बाद पैब्लो को स्कूल में दाखिला दे दिया गया। शुरुआत में तो पैब्लो को हर चीज काफी अच्छी लगी, लेकिन कुछ समय के बाद वह स्कूल के सख्त नियमों और औपचारिकताओं से परेशान हो गए और उन्होंने पहले ही की तरह स्कूल से भागना शुरू कर दिया। वह गलियों में यहाँ वहाँ घूमकर सभी जगहों व नजारों को निहारते और फिर उन्हें पेपर पर चित्रित करते थे। साल 1897 में पैब्लो बार्सिलोना छोड़कर रॉयल अकादमी ऑफ सैन फर्नांडो में पढ़ने मैड्रिड चले गए। हालांकि यहाँ भी पैब्लो का वही हाल रहा। दरअसल चीजों को अलग तरह से देखने और उन्हें अपने तरीके से कैनवस पर उतारने की जिज्ञासा ने पैब्लो को कभी भी एक जगह टिकने नहीं दिया। आखिरकार 2 साल बाद पैब्लो वापस बार्सिलोना आ गए। मैड्रिड में मिले अराजकतावादी व कट्टरपंथी दोस्तों ने पैब्लो की सोच को पूरी तरह से बदल दिया था और उन्होंने उम्र भर सीखी चित्रकारी की शास्त्रीय कला को नकार कर अपनी खुद नई कला का निर्माण करने का फैसला किया। शायद अपने इसी फैसले की बदौलत वह अपने आगे के जीवन में ऐसे महान पेंटिंग का निर्माण कर पाए जो आज बेशकीमती हैं। दरअसल अपनी उम्र के हर एक पड़ाव में पैब्लो की सोच में बदलाव आया, जो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग में दिखाई देता है। पैब्लो के जीवन पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों ने अपने जीवन के अलग अलग कालखंडों के बांट रखा है। दरअसल अपनी उम्र के हर एक पड़ाव में पैब्लो की सोच में बदलाव आया, जो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग में दिखाई देता है। पैब्लो के जीवन पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों ने उनकी जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांट रखा है, जैसे कि उनके करियर के 1901 से 1904 तक के पीरियड को ब्लू पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान पैब्लो की सभी पेंटिंग में रंग काफी हावी रहे,
20वीं सदी में जब वह पेरिस चले गए तो उन्होंने वहां अपना एक स्टूडियो खोला। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक ल्यूनूड बनाई थी। 1904 से लेकर 1906 के बीच का समय पैब्लो के करियर का रोज पीरियड रहा, क्योंकि इस दौरान पैब्लो एक बेहद खूबसूरत मॉडल फर्नांडे ओलिवर के प्यार में थे और उनका यह प्यार उनकी पेंटिंग में भी झलका। इस खास दौर में पैब्लो ने अपनी बेहद काफी प्रसिद्ध 3 पेंटिंगों का निर्माण किया था। इसके बाद वर्ष 1981 से 1927 के समय को पैब्लो के करियर का क्लासिक पीरियड कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 3 वुमेन एट द स्प्रिंग, 2 वुमेन रनिंग ऑन द बीच जैसी पेंटिंग्स बनाई। अपने पूरे जीवन में पैब्लो के कई रिश्ते जुड़े, फिर वो चाहे दोस्तों से हो, पत्नियों से हो या फिर बच्चों से, लेकिन वह किसी के साथ ज़्यादा लंबा समय नहीं काट पाए। पैब्लो ने अपने जीवन में 2 बार शादी की। इसके अलावा उनके कई महिलाओं के साथ नाजायज संबंध भी रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के दौरान भी अन्य महिलाओं के संबंध रखे। पैब्लो के कुछ 4 बच्चे थे, लेकिन उनकी मौत से काफी समय पहले सब उनका साथ छोड़ गए। आखिरकार 8 अप्रैल 1997 को उम्र के 91वें पड़ाव में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते वह दुनिया को अपनी कला का बेहतरीन नमूना दे गए। हालांकि उनकी चित्रकारी की विरासत को उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ा पाए जैसा कि उन्होंने किया था।